हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है UPSC DHO और TGT PGT का, तो उसी के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करा रहे हैं, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है। तो कल इसका एक पार्ट पढ़ा हुआ था, आज इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस फसल में नील हरित काई ब्लू ग्रीन एलगी का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन है धान, तीसरा ऑप्शन है आलू, चौथा ऑप्शन है गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि धान में जो है जो नील हरित शैवाल होता है या काई होती है, इसका प्रयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसमें एजोला एनाबीना और जो ब्लू ग्रीन एलगी है, यह सभी जो है धान में जो है जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि धान्य फसलों के लिए नत्रजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कौन सा सही आदर्श अनुपात है। पहला ऑप्शन है 6:3:1, दूसरा ऑप्शन है 8:2:1। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है कि 4:2:1। इसके बाद चौथा ऑप्शन है 9:6:3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 4:2:1 जो है धान्य फसलों के लिए NPK की आदर्श अनुपात होता है, और दलहनी फसलों के लिए इसका अनुपात क्या होना चाहिए। तो दलहनी फसलों के लिए इसका अनुपात जो है 1:2:1 होना चाहिए। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है वातावरणीय सूखा अधिक आर्द्रता के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि प्रवाही सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता अधिक होती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ऊंची नीची सतही वाली भूमि के लिए बौछारी सिंचाई कम उपयुक्त है। और चौथा ऑप्शन है अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी छिद्र पानी में भरे रहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी की अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी छिद्र जो है पानी से भरे हुए रहते हैं। ऐसी स्थिति को जो है हम लोग अधिकतम जल धारण क्षमता कहते हैं। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जल की गैसीय अवस्था है। पहला ऑप्शन है बर्फ, दूसरा ऑप्शन है ओला, तीसरा ऑप्शन है ओस, चौथा ऑप्शन है वाष्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा ओला जो है, सॉरी जो वाष्प है वह जो है जल की गैसीय अवस्था है। जल एक ऐसा द्रव्य है जिसकी अवस्थाएँ पाई जाती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैसीय तीनों में पाया जाता है। ठोस जैसे ठोस के रूप में जो है बर्फ़ पाई जाती है, द्रव के रूप में जल पाया जाता है, और गैस के रूप में जो है वाष्प पाई जाती है। ठीक है, जब हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो जल तथा जल को अगर जैसे मान लीजिए यह बर्फ़ है, तो बर्फ़ को अगर आप हम लोग गर्म करेंगे तो वह जो है जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद जो है जब जल को हम लोग गर्म करेंगे तो वह वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के उड़ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है। पहला ऑप्शन है ग्वार, दूसरा ऑप्शन है सनई, तीसरा ऑप्शन है ढैंचा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि ढैंचा जो है सर्वोत्तम हरी खाद के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग धान की फसल जो है कि नर्सरी लगाने के लिए इसको इससे पहले जो हम लोग ढैंचा का जो है प्रयोग करते हैं, या जो है सर्वाधिक नत्रजन स्थिर करने वाली हरी खाद है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है उर्वरकों से, दूसरा ऑप्शन है मछली से, तीसरा ऑप्शन है इसमें पशुओं से, चौथा ऑप्शन है अंडा से। तो जो भूरी क्रांति है वह जो है उर्वरकों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग आगे, इसमें देखते हैं कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न पदार्थों से संबंधित है, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा कि श्वेत क्रांति का जो पिता है किसे कहा जाता है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति जो है खाद्य तेलों व तिलहनों से संबंधित है, और नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, और गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है, और गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद जो अगली क्रांति है कृष्ण क्रांति, वह एथेनॉल उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ जितनी भी क्रांतियाँ दी गई हैं इससे जो है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी न किसी क्रांति के रूप में एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, जो रजत क्रांति है वह अंडा उत्पादन से
संबंधित है। इसके बाद जो सुनहरी क्रांति है, सुनहरी क्रांति जो है सब्जी तथा फल उत्पादन से संबंधित है। और जो है इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, इंद्रधनुषी क्रांति जो है नई क्रांति नीति का वर्णन से संबंधित है। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इंक्रीसेट अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल शोध संस्थान स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन दिया गया हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन दिया गया जोधपुर, चौथा ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद में जो है इंक्रीसेट शोध संस्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय फसलों के लिए स्थित है। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हंस 350 किस फसल की वैरायटी है। पहला ऑप्शन है अलसी, दूसरा ऑप्शन है दुआ, तीसरा ऑप्शन है कुसुम, चौथा ऑप्शन है सरसों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि जो हंसा है वह कुसुम की प्रजाति है। इसमें हम लोग अलसी की प्रजाति देख लेते हैं। तो अलसी की प्रजाति जो है गरिमा है, मुक्ता है, नीलम है, हीरा है, चंबल है, जवाहर सत्रह है। इसी तरीके से हम लोग सरसों की भी प्रजाति देख लेते हैं। तो जो सरसों की प्रजाति है वह पीताम्बरी है, उषा बहार है, सुफला है, संगम है, पंत है, तोरिया है, भवानी है, इंदिरा आदि, यह जो है सरसों की प्रजाति है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया चूना युक्त पदार्थों को मिलाकर, दूसरा ऑप्शन दिया गया क्षारीय उर्वरक प्रयोग करके, तीसरा ऑप्शन है अवरोधी फसल उगाकर, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो अम्लीय भूमियों के लिए जो है हम लोग कैसे प्रबंधन करते हैं, तो चूना युक्त पदार्थों को भी मिलाकर, क्षारीय उर्वरक को प्रयोग करके और अवरोधी फसल को उगाकर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि इन सभी को जो है मिला करके हम लोग अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे चूना द्रव्य का प्रयोग करेंगे तो उसमें CaCO3 और कैल्शियम ऑक्साइड, इसके बाद जो है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसी तरीके से हम लोग अम्लीय सहुष्ण फसलों को उगा करके जो है इसका प्रबंधन कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि 1 हेक्टेयर केला लगाने में कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा ऑप्शन है 1,000, तीसरा ऑप्शन है 1,500, चौथा ऑप्शन है 2,500। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 1 हेक्टेयर भूमि में केला लगाने के लिए 1,500 से 1,600 पंक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 5%, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 10%, तीसरा ऑप्शन दिया गया 20%, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया वह दिया गया 30%। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 10% हो जाएगा। 10% जो है नर पौधों का होना आवश्यक है, नहीं तो जो है फसल जो है सही तरीके से नहीं होती है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि अमेरिकन कपास की बीज दर क्या है। पहला ऑप्शन है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चौथा ऑप्शन है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भी कि 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है अमेरिकन कपास की सीड रेट या बीज दर है। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वह है गॉसिपियम हिरसुटम, इसके बाद एक और है जो यह है, यह क्या है अमेरिकन कपास है, और जो देसी कपास है उसकी वैरायटी है गॉसिपियम अर्बोरियम। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है। तो पहला ऑप्शन है मक्का गेहूं, दूसरा ऑप्शन है धान गेहूं, तीसरा ऑप्शन है धान धान गेहूं धान धान का, और चौथा ऑप्शन है धान और तिलहन का। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल लेता है वह धान और गेहूं की फसल लेती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है धान और गेहूं की बुआई की जाती है। धान जो है खरीफ की फसल है और जो है गेहूं जो है वह जो है रबी की मुख्यतः फसल है। फिर चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर और गेहूं में जो है ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा एक सफ़ेद सोना कहलाता है। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है अंडा, तीसरा ऑप्शन है अफीम या पोस्ता, चौथा ऑप्शन है दूध। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा कि सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि झूठा सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, और अफीम को जो है क्या कहा जाता है। तो अफीम को जो है हरा सोना कहा जाता है।
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि दशहरी इंटू नीलम के संकरण से आम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई है। तो पहला ऑप्शन है रामकेला, दूसरा ऑप्शन है मल्लिका, तीसरा ऑप्शन है सुवर्णरेखा, चौथा ऑप्शन है आम्रपाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि आम्रपाली जो है दशहरी और मादा नीलम के क्रॉस से विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि बरसीम चारा के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी है। पहला ऑप्शन है बरसीम प्लस जई, दूसरा ऑप्शन है बरसीम प्लस सरसों, तीसरा ऑप्शन है बरसीम प्लस जौ, चौथा ऑप्शन है बरसीम प्लस गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा कि बरसीम जो है बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल के लिए जई जो है इसके साथ ठीक रहेगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1975, तीसरा ऑप्शन है 1950, चौथा ऑप्शन है 1955। तो सबसे पहले जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला वह जो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खुला 1975 ईस्वी में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नबार्ड जो नबार्ड है नबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका फुल फॉर्म भी बताइएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन जौ के छिलके रहित प्रजाति है। पहला ऑप्शन है विजया, दूसरा ऑप्शन है ज्योति, तीसरा ऑप्शन है अंबर, चौथा ऑप्शन है गीतांजलि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह गीतांजलि हो जाएगा। गीतांजलि जो है जौ को छिलका रहित एक उन्नत प्रजाति है। इसकी जो लंबाई होती है वह 90 से 95 सेंटीमीटर तक होती है और यह शुष्क क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड के लिए उपयुक्त प्रजाति है और यह जो वैरायटी है 65 से लगभग 100 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी जो पैदावार है वह 25 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि गन्ने की अधसाली बुआई की जाती है कब की जाती है। जो तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है जुलाई, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है फरवरी, चौथा ऑप्शन है मार्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि 18 महीने में तैयार होने वाली फसल को अधसाली फसल कहते हैं। इसकी बुआई जो है जुलाई के महीने में की जाती है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि टाइकोडर्मा जपैनिकम का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वेधक, दूसरा ऑप्शन है उकठा, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वह है पछेता झुलसा और चौथा ऑप्शन है किट। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वह जो है उकठा को रोकने के लिए किया जाता है। उकठा रोग के नियंत्रण के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है ट्राइकोडर्मा जपैनिकम का प्रयोग। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु अधिक बसा पैदा करता है। तो सबसे अधिक बसा जो है इनमें से किस पशुओं में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा ऑप्शन है भेड़, तीसरा ऑप्शन है भैंस, चौथा ऑप्शन है गाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि भेड़ में जो है 8.92% तक बसा पाई जाती है, भैंस में जो है लगभग 7.38% जो है बसा पाई जाती है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विचरण खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है झूमिंग खेती, दूसरा ऑप्शन है पैरा खेती, तीसरा ऑप्शन है जैविक खेती, चौथा ऑप्शन है बरानी खेती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, झूमिंग खेती। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है हमारे देश के कुछ हिस्सों पर इसकी इस प्रकार से खेती की जाती है, जैसे कोई भूमि है तो उसको पहले साफ किया जाएगा, फिर वहाँ पे फसल की बुआई की जाएगी। तो जब उस फसल की उर्वरकता शक्ति जो है ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ से हम लोग दूसरे स्थान पर खेती करने के लिए चले जाते हैं। तो यही जो है झूमिंग खेती या विचरण खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि धान गेहूँ जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं। पहला ऑप्शन है 1 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 3 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 मीटर, चौथा ऑप्शन है 9 मीटर। तो धान गेहूँ जौ जो है यह एक सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है, क्रॉप है, तो इसके लिए जो है बीज दर की उचित दूरी लगभग 3 मीटर की आवश्यकता होती है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है धान, तीसरा ऑप्शन है जौ, चौथा ऑप्शन है बाजरा। तो मोटे अनाज वाली जो फसल है वह जो है बाजरा है और इसके साथ जो है मोटे अनाज की और फसल होती हैं जिसमें जैसे मक्का है, ज्वार है, इसके बाद मंडुआ है, इसके बाद जो लघु अनाज की फसल होती है, लघु अनाज की फसल देखिए इसमें बताया गया है कि मंडुआ या रागी
कोदो, सांवा, चेना, कुटकी और जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो उसमें जो है गेहूँ आ जाएगा, धान आ जाएगा, जौ आ जाएगा, इसी तरीके से इत्यादि आ जाता है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि केजनस केजान किसका बोटेनिकल नेम है। पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है ज्वार, तीसरा ऑप्शन है अरहर, चौथा ऑप्शन है गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अरहर। जो केजनस केजान है वह अरहर का बोटेनिकल नेम है। तो सबसे ज़्यादा अरहर जो है, जो अरहर की दाल है, सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किस राज्य में होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर चलते हैं तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें जो बोटेनिकल नेम दिया गया है आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से, आप लोगों को वैसे पता भी होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो जो है जिंक की कमी के कारण जो है धान में खैरा रोग लगता है। तो इसमें जो है पत्तियों का जो रंग है वह पीला पड़ जाता है, कत्थई रंग की हो जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम लोग 5 किलोग्राम जो है लगभग जिंक सल्फेट और उसी के साथ जो है 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 1,000 लीटर के पानी के घोल में मिलाकर इसका छिड़काव कर देते हैं, तो इससे जो है ठीक हो जाता है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एजेटोबैक्टर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कहाँ, धान की फसल में, गन्ना की फसल में, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कपास की फसल में, तो और जो चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका प्रयोग हम लोग जो है सभी फसलों में कर सकते हैं, एजेटोबैक्टर का प्रयोग। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि किस फसल में कुल जल मांग सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा ऑप्शन है आलू, चौथा ऑप्शन है गेहूँ। तो जो सबसे ज़्यादा जल मांग फसल है वह गन्ना है, गन्ना में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जो है धान में जो है जल मांग होता है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, तो गन्ने में जो है 1500 से 1600 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर जो है सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत गन्ना को है, इसके बाद धान को है और गेहूं में तो कम है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो इसमें जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि खरीफ दलहनी फसल को सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी कौन सा है। पहला ऑप्शन है ब्यूटाक्लोर, दूसरा ऑप्शन है सल्फोसिल्फ्यूरॉन, इसके बाद 2,4-D, चौथा ऑप्शन है पेंडीमेथिलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, पेंडीमेथिलीन जो है इसका राइट आंसर हो